हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ DDC एग्ज़ाम 2021 का इंटरव्यू। गाइज, बिल्कुल ऐसा ही इंटरव्यू होने वाला है जैसा आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ। गाइज, ये आपका पार्ट टू है। 102% गारंटी देता हूँ गाइज, अगर आपने मेरे इंटरव्यू की वीडियो देख ली, 100% आपके यही सवाल मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में DDC एग्ज़ाम का इंटरव्यू। गाइज, वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलेंगे, क्योंकि गाइज वीडियो मेहनत से बनती है, अगर आप लोगों को इतना पता होगा। 100% गारंटी देता हूँ आपके लिए गाइज, इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आगे बढ़ लेते, पूरी जानकारी ले लेते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइज क्या क्या इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। देखो, जिसने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा उसके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जिसने पार्ट वन देखा है उसके सब कुछ समझ में आएगा। जैसे गाइज आप लोगों ने इंटरव्यू पैनल के अंदर एंटर किया, देखो गाइज लाइक करते हुए जरूर चलेंगे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे आपने इंटरव्यू पैनल में एंटर किया तो गाइज एंटर करते ही आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे आपको बोलना है। और जब तक वो आपको बैठने के लिए नहीं बोले तब तक आपको नहीं बैठना है। तो गाइज आपसे पहले पार्ट वन देख लेंगे। पार्ट वन देखने के बाद में मान के चलो अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। आप हमारी कंपनी या डीडीसी भी गाइज एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसमें आपको कार्य करना है या जॉब करनी है। तो गाइज आपसे पूछा जाएगा, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क क्यों करना चाहते हो। तो आपको इस सवाल का जवाब ऐसे देना है। इस सवाल के जवाब में सबसे पहले यह बोले, क्या बोलना है आपको, किसी के लिए भी यह गर्व की बात होगी अगर उसे आपकी वेल रेप्यूटेड मतलब काफ़ी फेमस कंपनी में काम करने का मौका मिले। आपको ऐसा बोलना है, अगर किसी भी बंदे को आप जैसी रेप्यूटेड कंपनी में काम करने का मौका मिले तो गाइज ये उसके लिए गर्व की बात होगी। इसके बाद में आपको बोलना है मोर ओवर गाइज आप लोग हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो और इंग्लिश में भी, ये आपके ऊपर कंफर्टेबिलिटी रहेगी। फिर बोले कि मुझे लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन स्किल, जो मेरी कुशलता है, इस जॉब से बिल्कुल मैच करती है, इस जॉब में बिल्कुल फिट होती है। अगर मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिले तो मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, मैं अपना यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूरे दम लगाकर कार्य करूंगा। तो गाइज ये सवाल का जवाब आपको ऐसे देना है, ओके। देखो गाइज, अगर आपने मेरे इंटरव्यू की सारी वीडियो पढ़ ली, और गाइज मैं जो भी 29 को आपका एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपको पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ, कल से आपकी वीडियो आएगी, तो गाइज 101% आपको गारंटी देता हूँ एक भी सवाल आपका इंटरव्यू में गलत नहीं होगा। 15 नंबर की बात है, कोई मजाक नहीं है गाइज, 15 नंबर बहुत होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और नीचे लिख देना नाइस वीडियो, ओके गाइज। अगर पार्ट 3 आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। देख लेते अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है। एक सवाल आपसे इंटरव्यू में, जो भी आपके इंटरव्यू पैनल वाले आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत और कुशलता क्या है, आपके अंदर क्या ताकत है। इस सवाल के उत्तर में आप बोल सकते हैं कि मेरे में एडेप्टेबिलिटी होती है किसी भी इन्वायरमेंट में ढलने की, कोई भी एक आपके अंदर क्वालिटी, किसी भी इन्वायरमेंट में जल्द खुद को एडजस्ट कर सकता हूँ। आपको बोलना है, मैं किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकता हूँ, अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में आपको बोलना है, साथ में यह भी कहें कि मैं हार्डवर्किंग हूँ, मेहनती हूँ, ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ,
क्रिएटिव हूँ, मतलब कार्य को जो भी करता हूँ क्रिएटिव तरीके से करता हूँ, मतलब अगर आप वहाँ पर कोई भी ऑफिशियल वर्क करोगे तो आपको उसको पूरा साफ साफ करना है, मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल है, दूसरे की मैं फीलिंग समझता हूँ, अगर कोई परेशान है किसी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। काइंड हूँ, एनिमल लवर हूँ, जानवरों से प्यार करता हूँ, ये भी आप बोल सकते हो वहाँ पर। तो गाइज़ ये अपनी इतनी क्वालिटी बताकर आप लोग आराम से इस सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकते हो। ठीक है गाइज, 15 नंबर की बात है गाइज़, मजाक नहीं है, 100 नंबर का आपका रिटर्न है, पार्ट वन जरूर देख लेना, नीचे लिंक दे दूंगा मैं आपको। 100 नंबर की प्लस 15 नंबर का इंटरव्यू है, फाइनल मेरिट आपकी बनेगी 115 में से। अब देखते हैं कौन बच्चा सिलेक्शन लेता है, वीडियो को पूरा देखकर जाएंगे तभी आपको पता चलेगा क्या क्या मैंने इस वीडियो में बताया है। ओके गाइस, अगर आप लोग पार्ट 3 चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और आगे कम से कम मैं आपको इंटरव्यू में, आपको 20 से 25 सवाल कराकर भेजूंगा, 20 से 25 सवाल आपको कराकर भेजूंगा, ताकि कोई भी सवाल आपसे पूछे आपके 15 में से 15 नंबर आए। ठीक है गाइस, ये मेरा टारगेट रहेगा। आज के ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पिछले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इनको जरूर कर लेना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने इनको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नाइस वीडियो लिख देना नीचे। कल से आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, मैथ की ट्रिक आएगी कल से, वीडियो को सपोर्ट करना, मैथ्स ट्रिक आएगी, इंग्लिश ट्रिक आएगी, और आपकी हिंदी के सवाल आएंगे और जीके के सवाल भी आएंगे। जिनका 29 को एग्ज़ाम है उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ। मैं देखता हूँ आप लोग कितना सपोर्ट करते हो और वीडियो को कितना आप लोग शेयर करते हो। ठीक है, तो गाइज लाइक करके जाना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।